बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये मोहतरमा का नाम अन्नपूर्णा है। ये मोहतरमा कह रही है कि जुम्मा के दिन एक जगह जमा होकर नमाज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ हमारे भाई बहनों को तकलीफ हो रही है। इनका मानना है कि मस्जिदों से आतंक फैल रहा है। प्यारे दोस्तों, आप भी इस वीडियो को देखे। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती, पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। सुना आपने दोस्तों, अब तो जाग जाओ। ये हमारे मस्जिदों पर बुलडोजर लगाने के लिए तरकीबें कर रहे हैं और हमारे उलमा के ऊपर कार्रवाइयां करने को कह रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिदों को आबाद करो, हर वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करो और दुआएं करो और अल्लाह से मदद मांगा करो।